उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान सुबह से ही जारी है। इस दौर में 20 जिलों की 2,14,000 से ज्यादा सीटों पर 3,52,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलता रहेगा। इस दौरान राज्य के 20 जिलों में करीब 50,000 मतदान बूथों पर 3,05,71,613 मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं मेरठ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बता दें, मेरठ में 12 ब्लॉक में 13,38,181 मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान स्थलों पर ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए सफेद, ग्राम प्रधान के लिए हरा, क्षेत्र पंचायत के लिए नीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी मतपत्र है। सभी मतपत्र एक ही बैलेट बॉक्स में डाले जाएंगे। जिले में 231 संवेदनशील, 310 अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्र हैं। जिले में 35 जोनल मजिस्ट्रेट और 148 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। हम लोग लगातार सुनिश्चित करा रहे हैं कि लोग कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करें और साथ साथ अपने मतदान के अधिकारों का भी। ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, बखूबी पुलिस और प्रशासन के लोग मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं। जो पब्लिक के समझदार लोग हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। जहाँ कोई खुराफात करने की कोशिश करेगा उसको कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ऐसा स्पष्ट निर्देश सभी को दिया हुआ है और सभी लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोविड के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम यह है कि जगह जगह पर इसकी चेकिंग कराई जा रही है आकस्मिक रूप से, और साथ साथ में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन कराया जा रहा है। 100% लोग मास्क लगा के आए इसको सुनिश्चित कराया जा रहा है, और लोगों को लगातार माइक के माध्यम से प्रचार करते हुए भी लोगों को बताया जा रहा है, इन्फोर्समेंट भी किया जा रहा है, समझाया भी जा रहा है। कितने संवेदनशील बूथ डिक्लेयर किए हैं पुलिस ने? देखिए, हम सभी संवेदनशील, हम इस पंचायत चुनाव में हर मतदान केंद्र को संवेदनशील मानते हैं। कुछ अति संवेदनशील हैं जिन पर ही हमने अतिरिक्त फोर्स तैनात किया है, मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं, कुछ हमने वहाँ पर कैमरे की व्यवस्थाएँ की हैं, और हम लोग लगातार भ्रमणशील हैं और आश्वस्त हैं कि जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनका भी पालन करेंगे और कोविड प्रोटोकॉल का। वहीं पीलीभीत के ब्लॉक ललौरी खेड़ा के अमरगंज गांव में बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह कम होने को लेकर शिकायत की गई। जिला पंचायत सदस्य के वार्ड नंबर 23 के 21 प्रत्याशी होने के बावजूद भी अमरगंज गांव में बैलेट पेपर में मात्र 12 प्रत्याशियों के ही चुनाव चिन्ह मौजूद थे। करीब 150 वोट डाले जाने के बाद ग्रामीणों ने इस बात का हंगामा किया, साथ ही मतदान निरस्त कराने की भी मांग की। वहीं सूचना पर पहुंचे SDM, CO और थाना अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शांत कराया। बैलेट पेपर चेंज कराकर फिर से मतदान की प्रक्रिया को शुरू कराया गया। बता दें, तीसरे चरण में अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, चंदौली, जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, शामली, सिद्धार्थनगर और हमीरपुर में मतदान हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयोग मनोज कुमार ने सभी संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी बेहतर व्यवस्था कराई जाए कि किसी भी मतदान केंद्र पर दोबारा से मतदान कराने की स्थिति ना पैदा हो। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए मनोवर चौहान और प्रांजल गुप्ता की रिपोर्ट।